विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 7 भूमि स्वरूप के तीसरे भाग के अंतर्गत भूमि स्वरूपीय प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले प्रकरण में भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की सतह पर भू संचलन की क्रिया के कारण अनेक भूस्वरूपों की रचना होती है, चाहे वो पर्वत हों, पठार हों, मैदान हों या घाटियाँ हों। और सतह पर की जो घर्षण की शक्तियाँ हैं, बाह्य शक्तियाँ हैं, उनका विसर्जन करना प्रारंभ करती हैं। इस प्रकार पृथ्वी के धरातल पर कुछ भी अस्थायी नहीं है, उस पर लगातार परिवर्तन होता रहता है। और पृथ्वी सतह पर की जो बाह्य शक्तियाँ हैं, उन बाह्य शक्तियों का जो आदि है, आदि स्रोत सूर्य माना गया है, जिसके कारण पवन, नदी की विविध प्रक्रियाओं के कारण भूमि स्वरूपों का उद्भव और विनाश होता है। तो समतल स्थापक शक्तियों के दो भाग हैं, एक है अस्थाई शक्तियाँ और दूसरी है गतिशील शक्तियाँ। तो इन समतल स्थापक शक्तियों में सबसे पहले हम अस्थाई शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। अस्थाई शक्तियाँ कौन सी हैं कि अपक्षय की वह शक्तियाँ जो किसी भी पदार्थ को उनके मूल स्थान पर ही तोड़ देती हैं, तोड़ डालती हैं, उन्हें अस्थाई शक्ति कहते हैं। जैसे सूर्य की गर्मी, वाष्प में हवा, हिम, वर्षा, वनस्पति की जड़ें, जीव जंतु एवं मानव, इनका समावेश होता है। इनके द्वारा जो पदार्थ उसके मूल स्थान पर टूटते हैं, उसे हम अस्थाई शक्ति कहते हैं। ये बल गतिशील नहीं होते, अर्थात इनमें गति नहीं होती है, ये अपने मूल स्थान पर ही पक्षे का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको हम अस्थाई शक्ति के नाम से जानते हैं। ये शक्तियाँ सतह के नज़दीक के स्तरों की चट्टानों को तोड़कर उनका अपरदन कार्य करती हैं। अब इसमें आया है अपक्षय। सबसे पहले जान लीजिए अपक्षय अर्थात क्या। अपक्षय कि जो पृथ्वी की सतह पर आई हुई खुली हुई चट्टानें होती हैं, या पृथ्वी की कुछ गहराई तक जो स्थित चट्टानें हैं, उसी स्थान पर भौतिक, रासायनिक या जैविक क्रियाओं द्वारा जो उनका विभंजन या विघटन होता है, इस क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। अर्थात अपक्षय की परिभाषा क्या हुई कि पृथ्वी की सतह पर की जो खुली हुई चट्टानें हैं या कुछ गहराई तक की आई हुई चट्टानें हैं, उसी स्थान पर भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं द्वारा जब उनका विभंजन या विखंडन विघटन होता है, तो इस क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय के दो प्रकार हैं, एक है भौतिक अपक्षय और दूसरा है रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय क्या है कि अपक्षय की वह क्रिया जिसमें मात्र भौतिक परिबलों की ही भूमिका होती है, जैसे तापमान, वर्षा, हिम, वनस्पति और जो मानव के द्वारा की जाने वाली प्रवृत्तियाँ हैं, इनके द्वारा जो चट्टानों के टूटने क्रिया होती है, जिसमें उनका भौतिक स्वरूप तो बदलता है परंतु उनकी रासायनिक संरचना में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, इस प्रकार के पक्षे को भौतिक पक्षे के नाम से जानते हैं। अब इसमें भौतिक पक्षे जो प्रबल हैं, तापमान, वर्षा, हिम, सबसे पहले हम तापमान के बारे में चर्चा करते हैं कि तापमान का जो स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य की गर्मी के कारण जो पृथ्वी की सतह पर की आई हुई खुली हुई चट्टानें हैं, वो गर्म होती हैं, तपती हैं, उनका प्रसरण होता है, उनके आकार में वृद्धि होती है। और वहीं पर जब रात में तापमान घटता है, तो तापमान के घटने से उन चट्टानों में, खुली चट्टानों में संकुचन की क्रिया होती है। इस प्रकार ये संकुचन और प्रसरण की क्रिया जो है वो लगातार चलती रहती है, जिसके कारण चट्टानों में दरारें पड़ती हैं और कालक्रमानुसार चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े होने लगते हैं, जिसे हम खंड विभंजन के नाम से जानते हैं। बेसाल्ट जैसी चट्टानों पर ऐसी अपक्षय क्रिया विशेष रूप से देखने को मिलती है। खनिज द्रव्यों में गर्मी से जो प्रसरण एवं ठंडी से संकुचन की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है, अर्थात सभी में समान रूप से ये क्रिया
संकुचन और प्रसरण की देखने को नहीं मिलती है। उनका प्रसरण एवं संकुचन असमान रूप से होने से चट्टानों में जो कण बनते हैं वो छोटे बड़े कणों के रूप में अलग अलग होते हैं। जब छोटे कणों के रूप में चट्टानें टूटती हैं तो ऐसे पक्षे को हम कण विभंजन के नाम से जानते हैं। जैसे रेती की चट्टानें एवं ग्रेनाइट चट्टानों में कण पक्षे देखने को मिलता है। एक स्तर पर दूसरा स्तर व्यवस्थित हो, ऐसी चट्टानों में एक स्तर के बाद दूसरा स्तर अलग होता है, जिसे हम स्तर विभंजन कहते हैं। बेसाल चट्टानों में समान रूप से इस प्रकार का विभंजन देखने को मिलता है। अर्थात देखिए, विभंजन में तीन क्रियाएं हो गई, एक हुआ खंड विभंजन, दूसरा कण विभंजन और तीसरा स्तर विभंजन। नीचे आकृति दी गई है कि किस प्रकार से ये तीनों विभंजन क्रियाएं होती हैं। अगला प्रबल है भौतिक प्रबल में हिम। ऊंचे जो पर्वतीय विस्तार हैं या ऊंचे अक्षांशों में आए हुए जो प्रदेश हैं, उनकी चट्टानों की दरारों में भरा हुआ पानी रात्र में कम तापमान के कारण वो ठोस रूप धारण करता है, जिससे वो हिम में बदल जाता है। तो पानी की अपेक्षा हिम अधिक जगह घेरता है, जिसके कारण चट्टान की दीवार पर दबाव पड़ता है और दरार अधिक चौड़ी और गहरी बनती जाती है, जिसके कारण कठोर चट्टानों में खंड विभंजन एवं छिद्रालु चट्टानों में कण विभंजन देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार वर्षा या पवन के लगातार घर्षण से चट्टानें अपने मूल स्थान पर विभंजित होती हैं, टूटती हैं और वनस्पति की जड़ भी चट्टानों की दरार में प्रवेश करके चट्टानों को तोड़ने का कार्य करती है। जैसे आप देखे होंगे कि आपके घर के आसपास कहीं कोई बहुत बड़ा पेड़ है तो उसकी जड़ें जो होती हैं, भले उसकी चारों तरफ पक्का कर दिया जाए, ईंटें ब्लॉक बिठा दिया जाए, लेकिन वो जड़ें धीरे धीरे वो टुकड़ों को, चट्टान टुकड़ों को, ब्लॉक को ऊपर उठा देती हैं। तो इस प्रकार से वनस्पति की जड़ें जो हैं वो चट्टानों की दरार में प्रवेश करके चट्टानों को तोड़ती हैं। जीव जंतुओं में एक प्राणी भी जमीन तथा चट्टानों को खोद करके बिल बना करके घर बनाते हैं, जिससे चट्टानें टूटती हैं। और उसी तरह से मानव के द्वारा अपनी आर्थिक प्रवृत्ति के लिए भी चट्टानें तोड़कर खनिज प्राप्त करने के लिए चट्टानों का मानव विभाजन करता है। दूसरा पक्ष है रासायनिक पक्ष। रासायनिक पक्ष जो है, चट्टानों की संरचना में एक से अधिक खनिज पदार्थ होते हैं। तापमान, वाष्प एवं वायु आदि के संपर्क के कारण खनिजों की संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। चट्टानें कमजोर पड़कर विघटित होती हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक पक्ष कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन तथा हाइड्रेशन ये मुख्य तीन क्रियाएं, तीन प्रक्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं। तो रासायनिक पक्ष में मुख्य रूप से तीन क्रियाएं होती हैं, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन और हाइड्रेशन। जहाँ मानसून जलवायु के प्रदेश आए हुए हैं, उन प्रदेशों में ऑक्सीजन वायु स्वतंत्र रूप से पानी या के संयोजन से लौह तत्व वाली चट्टानों पर आयरन ऑक्साइड जंग बनाती है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और वर्षा के पानी में वातावरण में निहित कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में मिलती है, उसमें से मंद कार्बोनिक एसिड तैयार होता है और ऐसा पानी खनिजों पर रासायनिक प्रक्रिया करके कार्बोनेट्स में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया को हम कार्बोनेशन कहते हैं, जिससे चट्टान कमजोर होकर उसका विघटन होता है। चूने की चट्टान एवं संगमरमर पर उसका स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके बाद हम गतिशील शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो शक्तियाँ पदार्थों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले जाती हैं तथा ऐसा करते हुए वो चट्टानों में कटाव करती हैं, ऐसी शक्तियों को हम गतिशील शक्ति के नाम से जानते हैं। जैसे नदी है, बहता हुआ पानी या नदी, हिम नदी, पवन, भूमिगत जल एवं समुद्री तरंगों की गणना गतिशील शक्तियों के रूप में होती है। इसमें सबसे पहले हम बहता हुआ जल के बारे में चर्चा करेंगे कि भूतल पर ऊंचे ढलानों पर नीचे ढलानों की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके निर्धारित प्रवाह में स्वाभाविक रूप से बहते जल प्रवाह को नदी के नाम से जानते हैं। बहता जल अपने मार्ग में आने वाली ढाल संबंधी विषमताओं को दूर करके विशिष्ट भूदृश्यावली का निर्माण करते हैं और इस प्रकार नदी का कार्य अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण, इन तीन भागों में उसको हम बांट सकते हैं। तो उसका अपर्दन कार्य कि नदी अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को तोड़ती है, तोड़ने के बाद जो भी पदार्थ टूटते हैं उसको अपने साथ लेकर के आगे बढ़ती है। तो
अपर्दन क्रिया में औजार का जो अपर्दन क्रिया में औजार का कार्य करते हैं। इस प्रकार अपर्दन का आधार वाहन बोझ को मात्रा कद आकार एवं नदी के प्रवाह का ढाल चट्टानों की संरचना एवं नदी के वेग पर आधारित होता है। नदी के अपर्दन कार्य से वी आकार की घाटी जलप्रपात गर्त ढालदार सीढ़ियाँ जैसे भूमिस्वरूप देखने को मिलते हैं। नीचे आकृति दी गई है उसमें आप देखेंगे कि ये आकृतियाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेंगी। परिवहन कार्य नदी के परिवहन कार्य द्वारा प्राप्त हुआ वाहन बोझ एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है जिसको हम परिवहन कार्य कहते हैं। और पानी के साथ घुले हुए पदार्थों को नदी अपने साथ घुला करके घोल के रूप में लेकर के आगे बढ़ती है और सूक्ष्म कणों को तरल रूप में एवं बड़े आकार के कंकड़ नदी की तली में उछलते कूदते घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद निक्षेपण कार्य है कि अपर्दन कार्य द्वारा जो भी वाहन बोझ नदी अपने वेग के साथ बहा करके लाती है जब उसकी वाहन क्षमता कम हो जाती है या उसका वेग कम हो जाता है तो वहाँ उन पदार्थों का जमाव करती है। इस क्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। और निक्षेपण कार्य से शंकुआकार शंकु पंखाकार मैदान बाढ़ के मैदान एवं त्रिभुजाकार मैदान का निर्माण होता है। दूसरा है पवन गतिशील शक्तियों में। गतिशील शक्तियों में पवन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊंचा तापमान जहां वर्षा बहुत कम होती है या शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेशों में पवन अधिक गतिमान रहता है। पवन भी अपर्दन परिवहन और निक्षेपण तीनों कार्य करके भूमि स्वरूपों की रचना करते हैं। अपर्दन कार्य में पवन अपने वाहन मार्ग में आने वाले पदार्थों को अपने साथ आगे ले जा करके उसे अपना औजार बना करके मार्ग में आने वाली जो चट्टानें होती हैं उनको अपर्दन करने का कार्य करते हैं और अनेक भूस्वरूपों का निर्माण करते हैं। इसे पवन का अपर्दन कार्य कहते हैं। तो पवन मुख्य रूप से उड़न पात्र अथवा पवन गर्त भूछत्रक चट्टान ज्यूगेन यार्डन इंसेलबर्ग जैसे विशिष्ट भूदृश्यों की रचना करते हैं। नीचे आकृति दी गई है भूछत्रक चट्टान है इंसेलबर्ग है ज्यूगेन है यार्डंग है ये आकृतियाँ बनती हैं। इसके बाद निक्षेपण कार्य पवन के मार्ग में यदि उनके मार्ग में झाड़ झंखाड़ वृक्ष ऊंचे पर्वत टीले अवरोध पैदा करते हैं तो पवन का वेग कम हो जाता है और अपने साथ उड़ा कर लाए गए बहा कर लाए गए जो वाहन बोझ होते हैं उसका कुछ भाग नीचे गिरा देते हैं। इसे पवन का निक्षेपण कार्य करते हैं। तो पवन के निक्षेपण कार्य से रेती के टीले बारखंस और लोहेस के मैदान बनते हैं। नीचे बारखंस की आकृति दी गई है जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद में हिम नदी ऊंची अक्षांशों पर स्थित जो प्रदेश हैं पहुँच ऊंची पर्वतमाला श्रृंखलाओं में जो बर्फ वर्षा होती है हिम वर्षा होती है इसी हिमवृष्टि के परिणाम स्वरूप वहाँ पर जमा हुई बर्फ धीमे धीमे ढाल की ओर सरकती है। हिम को ऐसी सरकती हुई चट्टान को हिम नदी कहते हैं। हिम नदी भी अपर्दन परिवहन एवं निक्षेपण कार्य द्वारा विशिष्ट भूस्वरूपों की रचना करती है। तो हिम नदी का जो अपर्दन कार्य है कि हिम नदी के प्रवाह मार्ग में चट्टान के टुकड़े अथवा अन्य बोझ बर्फ के अंदर ही छिपे हुए होते हैं जो अपर्दन कार्य में हथियार का औजार का कार्य करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप यू आकार की घाटी लटकती घाटी सर्क एरेटी एवं फ्योर्ड किनारों की रचना होती है। नीचे आकृति दी गई है कि यू आकार की घाटी सर्क और हिम नदी का श्रृंग। तो हिम नदी का निक्षेपण कार्य हिम नदी जब हिम रेखा से नीचे उतरती है तो बर्फ पिघलने लगती है उस समय उसमें जकड़े हुए या उसके साथ में बहकर के आए हुए हिमबोझ स्वतंत्र होकर वाहन मार्ग में अलग अलग स्थानों पर बिछ जाते हैं और उसे हिम नदी का निक्षेपण कार्य कहते हैं। इस निक्षेपण से हिम अश्मावली की रचना होती है जो स्थान के आधार पर पार्श्विक तलस्थ मध्यस्थ एवं अंतिम हिम अश्मावली के नाम से जाने जाते हैं। देखिए नीचे हिम अश्मावली की आकृति दी गई है और उसके भी भाग दिए गए हैं। इसके बाद भूमिगत जल जब वर्षा होती है तो वर्षा द्वारा प्राप्त पानी छिद्रालु चट्टानों में नीचे उतर करके चट्टानी स्तरों में जमा होता है जिसे हम भूमिगत जल के नाम से जानते हैं। वर्षा का द्रावणयुक्त पानी नीचे चट्टानों में जब नीचे उतरता है और अपने मार्ग में आने वाले चट्टानी पदार्थों का कटाव करता हुआ नीचे बढ़ता है तो चूने की चट्टानों वाले प्रदेशों में भूमिगत जल के कारण विशिष्ट भूदृश्यों की रचना होती है। ऐसे भूदृश्यों को चूना की चट्टानों की भूदृश्यावली या काष्ठ भूदृश्यावली के नाम से जानते हैं। नीचे काष्ठ भूदृश्यावली की आकृति दी गई है। चूनायुक्त चट्टान स्तरों में
के बोझ में अस्तर पर का पानी अनेक छिद्रों रचना करता है जिसे डूबक क्षेत्र कहते हैं। ये डूबक क्षेत्र जब अपरदन द्वारा आकार में बढ़ने से युवाला डोलाइंस एवं पुलजे में बदल जाते हैं। अधिक गहराइयों पर जो भूमिगत जल उतरता है उसके कारण गुफाओं की छत में और तल में चूने का स्तर जमने लगता है जिसमें से अधोगामी ऊर्ध्वगामी और गुफा स्तंभ की रचना होती है। ऐसी गुफा की छत जब टूट पड़ती है तो उसकी गुफा की छत के टूट पड़ने से एक बड़े गड्ढे का निर्माण होता है जिसे हम पोलजे के नाम से जानते हैं। अगली शक्ति है समुद्री तरंगें। समुद्री लहरें भी किनारे के भागों में अपरदन का कार्य करती हैं। समुद्री लहरों के अलावा ज्वार भाटा एवं समुद्री धाराएँ भी विविध भू स्वरूपों की रचना करती हैं। तो समुद्री तरंगों का अपरदन कार्य, इस समुद्री तरंगों द्वारा होने वाला अपरदन कार्य पानी के वेग एवं दबाव, समुद्री तरंगों का आकार एवं उनकी लंबाई, किनारे की ऊंचाई के ऊपर निर्भर करती है। समुद्री तरंगें जब बड़े वेग से किनारे के साथ टकराती हैं जिससे किनारे की चट्टानें टूटती हैं, ये क्रिया लगातार चलती रहती है जिसके परिणामस्वरूप अपरदन के अनेक स्वरूपों का निर्माण होता है जैसे समुद्री क्लिप, समुद्री गुफा, समुद्री कंदरा, सागरीय स्तंभ एवं आदि मुख्य स्वरूप उसके हैं। नीचे समुद्र जल का अपरदन कार्य दिया गया है, कौन कौन से आकृति बनती है तो उसमें दिखाई पड़ रहा है। निक्षेपण, समुद्री तरंगें अपरदन कार्य द्वारा प्राप्त वाहन बोझ समुद्री किनारे पर निक्षेपित करती हैं, उसमें उसे समुद्री तरंगों का निक्षेपण कार्य कहते हैं। इसके कारण समुद्र तट, सी बीच, बालू के पट जैसे भू स्वरूपों का निर्माण होता है। समुद्री तरंगों की निक्षेप क्रिया से किनारे के निकट पाल या बांध बन जाते हैं। समुद्र का पानी चारों तरफ से पाल या बांध में घिर जाने से लगून सरोवर की रचना होती है। उड़ीसा में स्थित चिल्का एवं तमिलनाडु में स्थित पुलिकट लगून सरोवर के उदाहरण माने जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार आपका पाठ 7 जो है वो पूर्ण हुआ। वीडियो को ध्यान से देख करके सुन करके दिए गए प्रश्नों को ध्यान से लिख करके तैयार करेंगे। धन्यवाद।